हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आई होप कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज जितिया का दूसरा दिन है और आज पारण का दिन है दोस्तों, इसलिए मैं सवेरे ही जग गई हूँ और अभय को भी जगा दी हूँ क्योंकि उसका अभी कोचिंग का समय, वो जाएगा कोचिंग और मैं करूँगी दोस्तों घर में सारा काम। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अभी समय हो चुके हैं 6:30 और अभी तक जो है सभी कोई सोए हुए हैं। इसलिए सोए हुए हैं दोस्तों कि बहुत दिनों के बाद जो है ना बारिश स्टार्ट हुई है और अभी पूरा ठंडा मौसम, इस वजह से सभी सो रहे हैं। और देखिए इस घर में भी बच्चे सब सो रहे हैं, उधर अभय सिर्फ जगा हुआ है जो अभी जा रहा है वो कोचिंग पढ़ने के लिए। उसका जो है ना अभी 6 बजे से कोचिंग देती है, ये जा रहा है कोचिंग पढ़ने के लिए। और दोस्तों आज जितिया का पारण का दिन है और मैं कल आप सभी को नहीं दिखा पाई दोस्तों डाली और भरते हुए, इसलिए कि कल मैं प्रॉब्लम में आ गई थी। जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती ना पीरियड, वो हो गई थी मुझे। इस वजह से मैं जो कल पूजा पाठ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं की, तो कल का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई दोस्तों, क्योंकि सिर्फ नहाई और बस दिन भर जो है आराम कर रही थी। हाँ, और आज है दोस्तों पारण का दिन। तो पारण के दिन मैं क्या क्या करती हूँ दोस्तों, वो सभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो आप सभी हमारे वीडियो पे बनी रहिएगा और अच्छी लगेगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तो अब हम भी मोबाइल रखते हैं, रेस्ट करते हैं हम भी, क्योंकि अभी कोई काम है नहीं। 8 बजे से खाना चढ़ाएंगे, ये सब खाएंगे 9-10 बजे तक, तो 8 बजे खाना चढ़ाएंगे। आज बच्चे सबका स्कूल में छुट्टी भी है, इसलिए हड़बड़ी है नहीं कुछ भी। और जो सुबह का सारा काम होता है वो मैं कर चुकी हूँ, और कोई वीडियो शूट करने वाली थी नहीं दोस्तों, सभी सोए हुए थे, इसी वजह से मैं और सब जो है पहली काम था वीडियो आप सभी को मैं नहीं दिखा पाई। डायरेक्ट मैं अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। और देखिए अभी आंगन में बारिश हो रही है, बूंदा बूंदी बूंदा, या आप सभी को इतना पता नहीं चल रही होगी। पर मेरी फिर पूरा रूम सब में जो है ना पानी भरी हुई है, मैं आप सभी को दिखाती हूँ दोस्तों। रात में जो बारिश हुई ना, रात से अभी तक बारिश हो ही रही है। देखिए पूरा टब भर चुका है, नीचे भी भर चुका है पानी। उसी तरह मेरे किचन रूम में भी दोस्तों पानी जो है भरा हुआ था, तो मैं यहाँ तो साफ़ कर चुकी हूँ, फिर भी अभी जो बारिश स्टार्ट हुई है तो अभी पानी जो है टिपिर टिपिर पड़ रही है। अभी जोर की बारिश नहीं है, बस धीमी बारिश है, इस वजह से अभी जो है थोड़ी बहुत चू रही है, ज़्यादा नहीं। और प्लास्टिक जो ऊपर बिछाए थे ना दोस्तों, कोई काम का नहीं हुआ, सारा प्लास्टिक जो है फट गया है धूप की वजह से। और देखिए मैं वहाँ सारा प्लास्टिक निकाल करके वो साइड में जो है लीची गाछी पास रख दी है, वहाँ पे देखिए कल ही उतार करके रखी हूँ प्लास्टिक। और ये देखिए दोस्तों, समय होने चला है 8 और मैं जा रही हूँ अब समय से दोस्तों खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सब खाएंगे ना। और साक्षी भी जग चुकी है और रो गई है दोस्तों अभी नहाने के लिए, क्योंकि करेगी वो पूजा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज जो है साक्षी पूजा कर रही है, मैं पूजा नहीं कर पाएंगी दोस्तों, इसीलिए साक्षी पूजा कर रही है। और देखिए पानी की वजह से जो है अभी पूरा पानी यहाँ भरा हुआ है, पानी निकाले थे काज करके, फिर भी अभी जो है बारिश बहुत तेज़ ना हो रही है, फिर से जमा हो गई है पानी। और देखिए अभी कितना तेज़ बारिश हो रही है, मेरी बरंडा वरंडा पे हर जगह पानी जो है लगा हुआ है देखिए। और इधर बाबू जो है अपना मस्ती कर रहा है, खा पी के, मेरी खाना कम्प्लीट हो चुकी है, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए खाना निकालने के लिए। और इधर भी देखिए अभी पानी कितना ज़्यादा लगा हुआ है, देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों अभी पानी जो है चू रही है ऊपर से, नीचे में भी देखिए जो बहुत ज़्यादा ही पानी लगा हुआ है, देखिए कि नाव पर। तो मैं जा रही हूँ दोस्तों उनके लिए खाना निकालने के लिए। और मैं जो पारण करूँगी दोस्तों, आज जो है 5:30 बजे पारण करूँगी। कल भी पूरा दिन भर निराहार फास्टिंग था और आज भी जो है पूरा सोचिए पूरा दिन भर फास्टिंग रहेगा, रात में जा कर के जो है पारण करूँगी, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत कठिन ही जितिया पड़ गया है, तो इस वजह से दोस्तों इतना लंबा चौड़ा सहना पड़ रहा है। और इसलिए मैं दोस्तों सवेरे उठ कर के ही खाना बना दी, पता नहीं दोपहर होते तो शरीर में ताकत रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी गला जो है अभी से ही थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दर्द करने लगी है, लग रहा है जैसे टॉन्सिल बढ़ेगी, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर दर्द करने लगी है गला। तो चलिए दोस्तों, साक्षी भी पूजा करके अब आ गई है, वो भी अब खाना खाएगी और जो है उसके बाद अपना वो पढ़ाई करेगी। मैं जाऊंगी दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, मेरी गला जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है और ये बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है दोस्तों। चलिए एक लगा के तो अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि धूपा अगर करती ना तो मैं फास्टिंग नहीं कर पाती, मैं क्या कोई भी जो है फास्टिंग अच्छे से नहीं हो पाती, प्यास लगती इतनी ज़्यादा गर्मी में कि क्या बताऊँ। वो तो आप सभी जानते हैं, जब गर्मी करती है तो प्याज कितना ज़्यादा लगता है,
ये मौसम के वजह से दोस्तों प्याज तो एक जरा भी नहीं लगा हुआ है, और सच पूछिए तो भूख भी नहीं लगा हुआ है। भगवान को इसलिए लाख लाख शुक्रिया है कि इतना अच्छा मौसम कर दिया है, नहीं तो जान निकल जाती। कैसे फास्टिंग करते हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि जो थी नहाए खाए के दिन जो है गर्मी किया हुआ था ना, कितना तेज धूप आता, वो तो आप सभी देखे ही होंगे मेरी वीडियो, पहली वाली वीडियो में मैं नहाए खाए की भी वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ दोस्तों। उस दिन मैं क्या क्या नियम की हूँ वो सभी वीडियो भी आप सभी जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मेरी खाना अब निकल चुकी है, मैं जा रही हूँ उनको खाना देने के लिए। अब अभी तो लाइन कटी हुई है दोस्तों, ये जो है ना चार्ज वाली बॉल है वही जल रही है अभी, तो थोड़ी बहुत रोशनी है घर में अभी, तो वो खाएंगे दोस्तों रोटी और भुजिया। देखिए निकाल चुकी है, तो चलिए उनको दे देते हैं, तब उनके लिए बनाएंगे चाय। अभी चाय नहीं बनाए हैं, लीजिए नाश्ता। और देखिए रूम अभी पूरा अंधेरा है, यहाँ आ गई साक्षी पूजा कर दी। लाइट पापा को दो, पापा अंधेरा में खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप सभी से मैं शाम में मिलूंगी, शाम में क्या क्या मैं अपने लिए बनाऊंगी वो सब मैं आप सभी को दिखाऊंगी, और कै बजे मैं पारण करूंगी और किस चीज़ से मैं पारण करती हूँ जितिया का, वो सभी भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आप सभी दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए आप सभी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे शाम के समय में, ठीक है, बाय बाय। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज व्रत का दूसरा दिन है, और तब पर भी मम्मी अभी तक नहीं थकी है, हम लोग बनाने वाले थे और मम्मी सारा चीज़ खुद ही से कर रही है। देखिए मम्मी का मुंह देख के लग तो नहीं रहा है कि मम्मी व्रत में है, बल्कि हम ही लोग का मुंह देख के लग रहा है कि हम ही लोग व्रत में हैं। देखिए दोस्तों, इधर मैं कढ़ी बड़ी बना रही हूँ, और अभी जो है ना पोड़ो पत्ता का साग बनाना बाकी है, वो बनाऊँगी, और वो अभी फिर और है प्याज का कचड़ी बनाने के लिए। देखिए ये है प्याज की कचड़ी, फिर पापड़ छानूंगी, उसके बाद बनेगा चावल। तो पहले सब्जी सब जो तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे सबसे लास्ट में चावल ताकि गर्म रहे। तो चलिए अब ये सब तैयारी कर लेते हैं, और उसके बाद श्री अपना घर साफ कर रही है और साक्षी जाएगी बर्तन धो लेती है। देखिए दोस्तों मैं खड़ी हुई तो दोस्तों हम लोग करने वाले थे, लेकिन अभी सारा काम मम्मी कर रही है बेचारी बार बार वीडियो में आना चाह रही है, लेकिन हम उसको ले नहीं रहे हैं। ये देखिए मुंह मेरा काला पड़ गया है जरूर, हाँ देखिए लग नहीं रहा कि बिना पानी के है अभी तक। तो दोस्तों फाइनली अब 5 बजने वाले हैं, और हम लोग का जो है ना पारण का समय होने चला है। और देखिए इधर मैं चावल चढ़ा चुकी हूँ गैस पर, और नीचे जो है बन चुका है मेरा कढ़ी बड़ी, और जो है साग बना चुके हैं पोड़ों का। ये देखिए दोस्तों, इसमें बना करके जो है यहाँ रख लिए हैं, और जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है दोस्तों फास्टिंग रहने में, बस मेरी थोड़ा सा जो है यहाँ पर गला फूल गया है, और ऊपर से देखिए होंठ पर जो थोड़ी थोड़ी पपड़ी पड़ गई है, क्योंकि 36 घंटा से जो है ना बिना खाना और बिना पानी का है। और इधर मेरे हस्बैंड जी अभी जो है देखिए बैठ करके वहाँ मूवी देख रहे हैं, इनका तो मोबाइल में मूवी जो है ना चलते रहता है, अगर ये घर में रुक गए तो कभी भी इनका मोबाइल को जो है आराम नहीं मिल सकता है। तो ये अपना भी मूवी देख रहे हैं, और देखिए बादल भी जो अभी घिरा हुआ है पूरा, बारिश होने ही वाली है, जब अब तब हो जाए बारिश। और जो मौसम जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा किया, जिस वजह से हम लोग फास्टिंग जो है 2 दिन तक अच्छे से रह सके हैं। चलिए इसके लिए तो भगवान को दिल से शुक्रिया बोलते हैं। तो चलिए अभी 5 बजने वाली है, मैं चलती हूँ अब दोस्तों नहाने के लिए, और मैं अपना छोटी बेटी को भेजी हूँ दोस्तों प्रसाद लाने के लिए पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि मैं दोस्तों डाली नहीं ना भरी हूँ, तो वो प्रसादी जो था ना प्रसादी खा करके जो है अपना पारण तोड़ना पड़ता है, तो मतलब पारण करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों मैं श्रिया को भेजी हूँ पड़ोसी के यहाँ वो प्रसाद लाने के लिए। तो वो प्रसाद लेकर आएगी, जब तक तब तक मैं नहा करके रेडी हो रहती हूँ, तो वो प्रसाद लेकर आएगी तो मैं खा करके जो है अपना व्रत खोलूँगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नहाने के लिए, बाय। अब जब तक नहा कर आई ना दोस्तों, तब तक मेरी चावल भी हो चुकी थी, तो चावल मैं लग गई पसाने के लिए, अगर छोड़ देती तो चावल जो है गीला हो जाती, तो मैं चावल पसा करके दोस्तों कढ़ाही चढ़ा देती हूँ पापड़ छानने के लिए। जब तक इधर तेल गर्म होगा ना, तब तक मैं उधर पारण कर लूँगी, क्योंकि स्त्रिया भी जो है ना प्रसाद लेकर के पड़ोसी कन से आ गई थी, और मैं इसमें से दोस्तों मटर चुन रही हूँ पारण के लिए। और देखिए हम लोग दोस्तों पारण कैसे करेंगे, ये केला है और इसके बीच में जो है ना मटर को भोंकेंगे ताकि गला जो छिलाए नहीं। ये देखिए
अब इसको जो है निगलेंगे पूरा, गोटा जो है ना निगलना है। चलिए जमीन को बैठ जाते हैं। अभी शाम के हो चुके हैं 5:30 और मैं अपना खाना लेकर दोस्तों बैठ चुकी हूँ। ये देखिए पापड़ है और इधर कढ़ी बड़ी है, इधर जो है पोड़ों का साग है और चावल है और ग्लास में पानी है। ये सब लेकर के बैठी हूँ खाने के लिए दोस्तों। जल्दी जल्दी खाऊंगी क्योंकि शाम का भी समय होने वाला है। और चिड़िया भी अभी आ रही है, गई है थोड़ा पड़ोसी के यहाँ। और इधर मेरा बाबू जो है देखिए यहाँ ये लेट करके पापड़ खा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे बिहार में जो है ये जितिया पर्व मनाया जाता है, व्रत जो होता है इसी तरह से ये मनाया जाता है। और हम लोग दोस्तों इसी तरह से जो है ना पारण करते हैं। पहले मटर निगल लेते हैं, उसके बाद शरबत पीते हैं, तब जाके जो भी बना हुआ रहता है घर में वो खाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग का जितिया पर्व तो बहुत अच्छे से बीत गई। और आप सभी की कैसी रही तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलूँगी दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों, राम राम।